हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक में अपनी स्टोरी डालते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम फेसबुक स्टोरी में जब भी कोई पिक या वीडियो अपलोड करते हैं तो वो 24 घंटे तक हमारी फेसबुक स्टोरी के अंदर रहती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाती है फेसबुक की तरफ से। पर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से कोई वहाँ पे फेसबुक स्टोरी में हमसे पिक अपलोड हो जाती है जिसे हम नहीं करना चाहते, और हम उसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं पर हमें नहीं पता कि वो कैसे डिलीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक स्टोरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें हमें सबसे पहले फेसबुक की एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है, उसे ओपन कर लेना है और आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। मैंने एक डमी अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है आपको सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्टोरी डाली हुई है, यूअर स्टोरी के अंदर आती है हम जितनी भी स्टोरी डालते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, आपको इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है आपको। और एक बार ये आपसे पूछेगा कि आप इसे सच में रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, और अगर आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मेरे फेसबुक से ये स्टोरी डिलीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से अपनी फेसबुक स्टोरी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।